हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो भी सैपलिंग्स हम लोग मार्केट से लाते हैं वो आप कैसे लगाएं कि वो 100% ग्रो हो। वैसे 100% तो नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ प्लांट जिनमें जड़ें कम होती हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो पहले तो आप जब भी इनको लाएं तो इनको ऐसे ही ना रखें, इनको किसी पानी में डाल के रखें ताकि इनकी जड़ें गीली रहें। ये देखिए, जैसे मैंने रख रखा है, और ये मैं कई तरह के लेके आई हूँ। और ये गड्डी में प्लांट्स आते हैं, और एक गड्डी में आपको 10 से 15 या इससे कम भी प्लांट हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग अंदाजन बना के गड्डियाँ बेचते हैं। तो ये मैं लाई हूँ, ये देखिए कई गड्डियाँ हैं मेरे पास, 5 गड्डी फ्लावर की हैं। ये सारे विंटर फ्लावर्स हैं, और ये देखिए 2, 3, 4, 5। तो ये है पहला, ये इसको कहते हैं एनुअल क्रिसेंथेमम। और ये इसमें बहुत ही मतलब ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। पिछले साल भी मेरे गार्डन में ये लगा हुआ था। इसमें मोस्टली वाइट और येलो कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, और इसमें मिक्स प्लांट्स हैं। और ये है एस्टर का प्लांट, और एस्टर का भी फ्लावर बिल्कुल आपके सूरजमुखी जैसे फ्लावर छोटे छोटे से कलरफुल में निकलते हैं। ये भी मिक्स हैं, अभी पता नहीं है कि इसमें कौन सा कलर निकलेगा। और ये एक प्लांट आइस फ्लावर का भी आ गया है, और फ्री का ये नेस्टोरियम का है, और इसमें तो काफ़ी प्लांट्स लग रहे हैं। और ये भी ये मुझे 15 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ पर गड्डी बोल रहा था, पर मैंने कई लिए तो वो 15 रुपीज़ का मुझे दिया है। और ये मैंने यहीं अपने रोड साइड नर्सरी से लिया है। और ये है गेंदे का, और ये गेंदा हज़ारा गेंदा जो होता है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े गेंदा निकलते हैं, ऑरेंज और येलो, ये भी मिक्स प्लांट्स हैं। अभी नहीं पता है कि इसमें कौन सा फ्लावर होगा। और ये पता नहीं कौन सा प्लांट बोल के दिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, शायद डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर का, या नहीं नहीं डॉग फ्लावर नहीं है, मैं भूल गई इसका नाम। और अगर याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप ये गड्डी ले आइए, और इसमें देखिए मैं खोल के दिखा रही हूँ, और ये लग भी जाते हैं। इसमें अगर 10 से 15 प्लांट हैं तो आपके अगर एक दो ख़राब भी हो जाते हैं तब भी आपके बाकी प्लांट, देखिए इसमें अच्छे से रूटिंग हुई रहती है। और ये देखिए अच्छा प्लांट है, और ये 100% लग जाएंगे। और इसके लिए देखिए, जैसे मैंने पॉटिंग सॉइल बताई थी विंटर फ्लावर प्लांट्स की, वो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। और इनको मैं अभी पॉट में नहीं लगाऊंगी, इनको ग्रो बैग्स जो आते छोटे छोटे से, ये मैं इन्हीं में लगाऊंगी। और जब ये अच्छे से इसमें लग जाएंगे उसके बाद ही मैं इन्हें पॉट में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि अभी पॉट में अलग अलग लगाने से, क्योंकि मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो यहाँ पे काफ़ी बाहर हो जाता है। और इसमें से अभी, क्योंकि मुझे पता है कुछ प्लांट इसमें से ख़राब भी होंगे, तो उस हिसाब से जब मैं इसमें अच्छे से पौधा लग जाएगा तो इससे निकाल के लगाने में मुझे आसानी रहेगी, और प्लांट अच्छे से चलेंगे भी। क्योंकि मैं मोस्टली यही करती हूँ, जब भी प्लांट लाती हूँ तो उनको पहले जो सैपलिंग्स होती हैं उनको ग्रो बैग में ही लगाने के बाद में ही, फिर जब वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तब मैं उनको थोड़ा बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। तो कुछ नहीं, सिंपल इसी मिट्टी को आप इन्हीं छोटे छोटे से ग्रो बैग्स में भर लीजिए, और उसमें एक पैन की सहायता से खोल कर लीजिए, और उसमें क्या कहते हैं, एक इसमें ग्रो बैग में एक प्लांट लगा के, और इनको किसी शेडी एरिया में रख दीजिए। इनको अभी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, जहाँ पे बहुत ही कम सनलाइट आती हो ऐसे प्लेस पे रखना है, नहीं तो ये प्लांट्स आपके ख़राब हो जाएंगे अगर आप इन्हें डायरेक्ट सन में रख देंगे।
ये एक हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा आपके इसमें से कितने प्लांट्स लग गए हैं और कितने ख़राब हो गए हैं। तो मोस्टली तो लग ही जाते हैं क्योंकि ये सीज़न ऐसा होता है कि इसमें प्लांट जल्दी ख़राब तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि ये लोग जो पेड़ ये लाते हैं तो ये उखाड़ उखाड़ के ऐसे लाते, खोद के तो निकालते नहीं है, तो कुछ में रूट्स हो टूट जाती हैं, तो जिनकी रूट्स ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं तो वही प्लांट का रहता है कि वो ख़राब हो जाए। अदरवाइज़ जिनमें जैसे कि ये है, इसमें देखिए अच्छे से रूट्स हैं, तो इनका ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें।